बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है हमारा, जो क्वाड्रिलेटरल्स का डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर है। ओके, थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूव करना है, ये रेक्टेंगल है। देखिए जैसे सर्कल है हमारा, सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं इस तरीके का, देखिए। ओके, इसका कुछ नेम ए बी सी डी रख दिया। अब इसके जो डायगोनल है, देखिए इस तरीके से इसके जो डायगोनल है ना, वो क्या है आपके, सेंटर यहीं से पास हो रहा है। कहां से सेंटर पास हो रहा है, यहीं से। तो डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो ए सी एंड बी डी डायगोनल है वो क्या कह रहा है, सर्कल का आपका डायमीटर भी है, ऐसा ही है। तो चलिए जो चीजें प्रूफ करना है वो लिखते हैं। सबसे पहले देखिए हमें प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है हमें, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब इसमें जैसे कि एक हमारे पास कॉन्सेप्ट, एक हमने थ्योरम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो डायमीटर होते हैं वो सर्कल पर कहीं पर जाकर के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे अगर हम ए सी एंड बी डी डायगोनल लें तो आप समझना चाहोगे तो जो ए सी है वो यहाँ पे 90 बनाएगा, जो ए सी है वो यहाँ पर भी 90 बनाएगा, और जो बी सी है वो यहाँ पे 90 बनाएगा और यहाँ पे 90 बनाएगा। तो कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो देख रहे हो आप सारे के सारे एंगल 90 के हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी क्या बन जाएगा, हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली लिखना भी हमें बस इतना ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस ए सी एंड बी डी आर डायगोनल डायगोनल एज वेल एज डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ऐसे में क्या बन जाएगा, ए बाय थ्योरम बी डी, ऐसे लिखें बी डी मेक एन एंगल, बी डी मेक एन एंगल एंगल ऑफ 90 डिग्री एट बी सी डी एंड बी ए डी, बी सी डी एंड बी ए डी, बी ए डी, ठीक है। क्यों, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी डी, बी सी डी बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली सिमिलरली बाय डायगोनल, अब इतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायगोनल ए सी कर देंगे, बाय डायगोनल ए सी, ए सी की मदद से जो बन रहा है डायरेक्ट इसको लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए सी क्या बना रहा है, ए डी सी एंड ए बी सी, ए डी सी ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको फर्स्ट माने और इसको सेकेंड माने, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इन दोनों की मदद से सबको इक्वल कर दीजिए आप, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ए बी सी डी मैंने लिखा है, तो ए बी सी बी सी डी सी डी ए डी ए सी सबके सब 90 डिग्री हो गए, तो यही प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर हेंस हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्या बन रहा है हमारा, रेक्टेंगल।
तो देखिए इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया और कहना ये फाइनली यही है। देखिए चीजें कितना सिंपल है, बात इसमें सिर्फ इतना है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल पे कहीं पर 90 डिग्री बनाता है और ये माइंड में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमें थोड़ा फॉर्मेट अच्छे तरीके से देना है। तो चीज़ें को कुछ अच्छा से बाय थ्योरम या थ्योरम पूरा लिख दीजिए या जो कहना चाह रहा है वो लिख दीजिए, मतलब डिफर करके आप अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है।